दोस्तों हम लोगों ने कल की क्लास में फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन लिया था और हमने आपको बतलाया था कि फंडामेंटल राइट की क्या अलग अलग विशेषताएं होती हैं और साथ ही साथ हमने लास्ट पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और इसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति का अधिकार उसे 44वें संविधान संशोधन के जरिए 1978 में फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा करके उसको एक सामान्य अधिकार के रूप में यानी कि लीगल राइट के रूप में अंडर आर्टिकल 300A में उसको शामिल किया गया था। इस तरीके से वर्तमान में अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो उसकी कुल संख्या होती है 6 और उन 6 में से हमने अलग अलग उसको कैटेगराइज भी किया था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को अब आज की अपनी इस क्लास में स्टार्ट करना है एक एक आर्टिकल्स को। आर्टिकल 14 से हम लोग बात करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में होगा, लेकिन इससे पहले दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिसको आर्टिकल 12 और 13 आप कहेंगे। तो 12 और 13 में आपको राज्य की परिभाषा और 13 में आपको कानून की परिभाषा दी गई है, तो आगे की चीजें हम अच्छे तरीके से समझ सके इसलिए सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है आर्टिकल 12 की। दोस्तों आर्टिकल 12 जो है वो हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 12 की हम लोग बात करने चल रहे हैं और अनुच्छेद 12 में बहुत ध्यान से इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग जो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ये सभी के सभी आप देखते हैं या तो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं या तो व्यक्तियों के विरुद्ध मिलते हैं। तो यहां से सबसे पहला जो पॉइंट होगा आर्टिकल 12, यहां पर दोस्त आपको दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आपको यहां पर बतलाया गया है और इसके पहले वाली क्लास में जो हमने आपको बतलाया था तो राज्य के हमने एलिमेंट बताए थे, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो एक बार अगर आप चाहें तो रिकैप कर सकते हैं, राज्य के तत्व की अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 4 प्रकार के तत्व हमने आपको बतलाए थे। एक था दोस्त आपका जनसंख्या, एक था आपका जनसंख्या, दूसरा था आपका भूभाग यानी कि लैंड होना चाहिए, तीसरे में हमने आपको बतलाया था कि सरकार इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है और सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है, और चौथे नंबर पर हमने आपको बतलाया था संप्रभुता यानी कि सावरंटी। तो ये 4 इसके अलग अलग तत्व होते हैं, लेकिन राज्य के अंतर्गत किसको किसको हम राज्य कहेंगे ये बात अब आपको समझनी है संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 12 आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर शामिल होता है राज्य के अंतर्गत वो होता है दोस्त भारत सरकार। पहला पॉइंट क्या होगा, भारत सरकार राज्य की सीमा के अंतर्गत शामिल होते हैं। भारत सरकार के साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो दूसरा हो जाता है भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट जो आपकी है उसको भी हम लोग राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर इसके बाद होता है राज्य सरकार, फिर क्या होगा राज्य सरकार, और इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल ये भी क्या होगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल माना जाएगा। फिर इसके बाद में वो सभी स्थानीय संस्थाओं को भी शामिल करेंगे, स्थानीय संस्थाएं भी शामिल होंगी, और इसके अलावा राज्य में कौन शामिल होगा, तो अन्य प्राधिकारी भी शामिल होंगे, अन्य प्राधिकारी शामिल होंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब इसी में जैसे देखते हैं कि नगर निगम होता है जो स्थानीय संस्थाओं में होता है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद, यहां पर एग्जाम्पल के रूप में जैसे नगर निगम है, इसके साथ साथ में नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद है, तो ये भी आपको कहां पर शामिल हो जाएंगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इनको भी शामिल कर लिया जाएगा।
इसके अलावा जिला बोर्ड है, पंचायती राज है, जिला बोर्ड है, पंचायती राज है, पंचायती राज, ये भी आपकी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो राज्य वित्त निगम होता है, राज्य वित्त निगम होता है। इसके अलावा जैसे आप ध्यान रखिएगा कि बीसीसीआई होता है, इसके अलावा एलआईसी होता है, ये सभी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग होता है, इसके अलावा जो अलग अलग लोक सेवा आयोग हैं, इसके अलावा जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये ध्यान रखिएगा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये भी क्या होगा, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जैसे अलग अलग आयोग होते हैं वो भी राज्य में शामिल होंगे। इसके अलावा जो अमरनाथ यात्रा होती है, अमरनाथ गुफा, ये भी क्या होता है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि आखिर हमने इतने लोगों को शामिल कर लिया, लेकिन शुरुआत से लेकर कि क्या वर्तमान तक जितने भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल थे, क्या उन सभी बातों को संविधान के बनने के समय ही बतलाया गया? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए चूंकि समय समय पर इसमें न्यायालय के द्वारा ये बतलाया गया है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, तो एक पॉइंट यहां पर लिखिएगा कि कौन ये इस बात को बतलाएगा कि राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। तो कौन बतलाएगा, अगर ऐसा प्रश्न आपके मन में आता है, कौन बतलाएगा कि राज्य की परिभाषा में कौन आता है और कौन नहीं आता है, तो इसके लिए क्या होगा, न्यायपालिका के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा समय समय पर। कौन करेगा, न्यायपालिका के द्वारा इसका समय समय पर निर्धारण किया जाएगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने इस आर्टिकल में देखा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जाएगा, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होगा भारत सरकार, इसके बाद पार्लियामेंट होगा, फिर इसके बाद राज्य सरकार होगा, फिर राज्य विधानमंडल होगा, स्थानीय संस्थाएं होंगी और अन्य प्राधिकारी होंगे। स्थानीय संस्थाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, जिला बोर्ड है, पंचायती राज है, इसके अलावा राज्य वित्त निगम है, बीसीसीआई है, एलआईसी है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ गुफा, अलग अलग लोक सेवा आयोग, तो ये सभी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि इस बात को कौन बताएगा कि राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा, तो न्यायपालिका इसके लिए समय समय पर निर्णय देती है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 12 जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और जब भी हम लोग अब राज्य शब्द की बात करेंगे तो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए, और ये सभी संस्थाओं के साथ में ये सभी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो आपके मन में जब अगर सवाल कभी आया रहा होगा कि आखिर है कौन राज्य, तो राज्य को आप कभी देख नहीं सकते हैं, राज्य एक अमूर्त होता है, और यहां पर राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जाता है इसकी चर्चा हम लोगों ने इस आर्टिकल में कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर, अनुच्छेद 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 13 में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 13 आप हेडिंग बनाएंगे, अनुच्छेद 13 आपको हेडिंग बनाना है, और यहां पर किस बात का प्रावधान है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कानून की परिभाषा आपको बतलाई गई है, कानून की परिभाषा, बहुत बेसिक बेसिक सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है, कानून की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आंसर आपको ऐसे ही लगाना होगा कि किस आर्टिकल में किसकी डेफिनेशन दी गई है। अब इसमें क्या होगा कि भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं, और आप जानते हैं कि संविधान जो होता है वो किसी देश का सबसे वृहद कानून के रूप में होता है,
सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आर्टिकल 13 जो है वो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो राज्य के द्वारा कोई भी अगर विधि बनाई गई है, कोई भी उपविधि बनाई गई है, कोई भी आदेश है, अध्यादेश है, नियम है, उपनियम है, कोई समझौता है, तो ये सारी की सारी बातें आपको आर्टिकल 13 में ही देखने को मिलती है। तो यहां से एक ओवरव्यू आप लेकर के चलिए कि राज्य के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सभी आपको आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा के अंतर्गत ही उनको शामिल किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है, एक तरीके से ये लिमिट लगाता है, लिमिटेशन के रूप में ये काम करता है कि अगर कोई भी कानून पहले से बना हुआ है या आगे चल करके बनने वाला है तो उस पर क्या करेगा, एक लिमिट लगाता है, एक प्रतिबंध लगाता है। किस बात का प्रतिबंध लगाता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उसी बात को थोड़ा सा यहां पर आप मॉडिफाई करके इस बात को जरा समझिए कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा दी गई है, कानून की परिभाषा, ये दो रूपों में लागू होती है। दो रूप कौन कौन से होते हैं, दो रूप यहां पर हो जाते हैं। दोनों रूपों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे संविधान पूर्व और संविधान बाद। तो यहां पर अगर मैं ऐसे कह दूं कि संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है, संविधान पूर्व विधियों पर यह लागू होता है, संविधान पूर्व विधि, और इसमें दूसरा हो जाएगा संविधान पश्चात विधि, संविधान पश्चात विधि। तो संविधान पूर्व और संविधान पश्चात विधि ये दोनों पर लागू होता है। इस बात को बहुत बेसिक रूप में आप समझिए कि संविधान पूर्व विधि का मतलब क्या होता है, कि संविधान लागू होने से पूर्व लागू विधियां, ध्यान से समझिएगा, संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व प्रचलित विधियां, प्रचलित विधियां, और यहां पर क्या हो जाएगा, संविधान लागू होने के बाद बनने वाली विधियां, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद बनने वाली विधियां। अब यहां पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, तो यहां पर अगर हम लोग इसके इंपैक्ट की बात करते हैं तो जैसे संविधान के लागू होने से पहले भी ये विधियां लागू थी, जैसे आपने आईपीसी को देखा होगा, इंडियन पिनल कोड, इसके बाद में आपने सीआरपीसी देखा होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अलावा जैसे साक्ष्य अधिनियम होते हैं, एविडेंस एक्ट होता है, इसके अलावा तमाम प्रकार के मेजर और माइनर एक्ट जो हैं वो लागू थे। अब यहां पर यह बताया गया कि एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिएगा, जैसे कि आपको यहां पर आईपीसी लागू था, इसके अलावा आपको सीआरपीसी लागू था, जैसे इसके अलावा आपको एविडेंस एक्ट लागू था, ये सभी के सभी जितने भी एक्ट संविधान लागू होने से पहले लागू थे वहां पर बताया गया कि वो उस सीमा तक समाप्त हो जाएंगे जहां तक ये सारी विधियां, संविधान लागू होने से पहले प्रचलित विधियां, अगर किसी हद तक संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं तो वो उस सीमा तक समाप्त हो जाएंगी। बात यहां पर समझ में आया कि उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ध्यान से यहां पर लिख लीजिएगा कि ये सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जहां तक ये विधियां फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हूं, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हूं, वो सभी विधियां क्या हो जाएंगी, वहां तक शून्य हो जाएंगी, वहां तक इनवैलिड हो जाएंगी। दूसरा यहां पर है कि संविधान लागू होने के बाद राज्य के द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, ऐसी विधि का निर्माण
नहीं किया जाएगा, निर्माण नहीं किया जाएगा जो फंडामेंटल राइट का, जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। बात क्लियर है? तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की परिभाषा दिया गया है और इस कानून की परिभाषा के अंतर्गत जो लागू होने वाला प्रावधान है वो संविधान के लागू होने से पहले जो विधियां थी उस पर भी काम करेंगी और संविधान के लागू होने के बाद की जो विधियां हैं इस पर भी काम करेंगी। संविधान लागू होने से पहले अगर आईपीसी सीआरपीसी जैसे तमाम प्रकार के मेजर और माइनर एक्ट लागू थे तो वहां पर प्रावधान ये किया गया कि वो उस सीमा तक समाप्त हो जाएंगे जिस सीमा तक ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। और संविधान पश्चात विधि का मतलब क्या हो गया कि संविधान लागू होने के बाद किसी ऐसी नई विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो। तो बहुत ही ये सामान्य सा नियम है और सामान्य सी बातें हैं, इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 में ही आपको एक चीज मैंने कल बताया था, आर्टिकल 13 में ही आपको न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि ज्यूडिशियल रिव्यू की बात देखने को मिलती है। यहां पर क्या लिखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो ये प्रावधान है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान ये आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। कहां पर दिखलाई पड़ता है तो आर्टिकल 13 में आपको ये बात देखने को मिल जाती है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं, दोनों प्रकार के न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय, ये दोनों जो न्यायालय आपको दिखलाई पड़ते हैं, ये दोनों के दोनों न्यायालय राज्य के द्वारा पारित किसी ऐसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो भाग 3 के अंतर्गत दिए गए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकते हैं, ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो। बात क्लियर हो? यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में कि अगर संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अगर पार्लियामेंट किसी ऐसे नियम या कानून का निर्माण करता है जो कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 35 के बीच में अगर कोई प्रावधान दिया गया है तो उसको वो शून्य घोषित कर सकता है अगर ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो होती है ये उच्चतम और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। ध्यान रखिएगा कि ये जो शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ये किसको प्राप्त है, तो कभी कभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं यह केवल और केवल किसको प्राप्त है। ध्यान रखिएगा तो यह केवल और केवल किसको प्राप्त है, ये हाई कोर्ट्स को प्राप्त है और किसको प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है यह किसको प्राप्त नहीं है, तो बहुत आसान सा प्रश्न आपको मिल जाएगा कि यह अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं प्राप्त है, अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। किसको यह प्राप्त नहीं होगा, तो अधीनस्थ न्यायालयों को यह प्राप्त नहीं होगा, यह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहां पर दी गई है, किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालय को या सभी को, तो ध्यान रखिएगा यह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे
कि एक होता है सिद्धांत, यहाँ पर पाया जाता है, एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि आपको ये बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इसको लिखना तो है नहीं आपके एमसीक्यूज वाले एग्जाम में। तो एक होता है पृथक्करण का सिद्धांत, केवल आप सुन लीजिए इसको, कि एक होता है पृथक्करण का सिद्धांत और दूसरा एक कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शैडो प्रिंसिपल कहा जाता है, आच्छादन का सिद्धांत इसको बोला जाता है। तो आच्छादन के सिद्धांत में और पृथक्करण के सिद्धांत में किस बात का डिफरेंस पाया जाता है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा बेसिक रूप में समझ लेते हैं। जो पृथक्करण का सिद्धांत है, यहां पर आपको बतलाया गया है कि राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है तो उसे पूर्ण रूप से असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। तब किसको करेंगे, बल्कि उस भाग को ही क्या करेंगे, आच्छादित कर, पृथक कर देंगे, उस भाग को ही अलग कर देंगे जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। लेकिन शर्त यहां पर यह है कि वो जो पार्ट हम अलग करने की बात कर रहे हैं, उससे पृथक करने की बात कर रहे हैं, वो पृथक करने के लायक हो। ऐसा ना हो कि जिस पार्ट को हम हटाने की बात कर रहे हैं उस पार्ट को अगर हम हटा दें तो बनाया गया पूरा का पूरा कानून ही क्या हो, अर्थहीन हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि हम केवल और केवल उसी पार्ट को हटा सकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। यह क्या बतलाता है, यह होता है आपका पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा होता है एक आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत आपको यहां पर क्या कहता है कि संविधान लागू होने के पहले जो आपने देखा था आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जैसे मेजर और माइनर एक्ट में, तो संविधान लागू होने के पहले भारत में लागू जितनी भी विधियां हैं उन सभी में अगर मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों के विरुद्ध है, उनको समाप्त नहीं होती है तो बल्कि उनको क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। कहां तक, जहां तक वो उनको प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ग्रहण का भी सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर आपको ये बातें दोनों ध्यान में रखनी है। हालांकि ये आपको एमसीक्यूज वाले एग्जाम में ये सारी बातें देखने को नहीं मिलती हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। बेसिक सी बात सिर्फ इतनी है, अगर सभी बातों को, सभी सिद्धांतों को आप यहां पर एक बहुत सामान्य तरीके से समझें तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि संसद के द्वारा यानी कि केंद्रीय विधायिका के द्वारा किसी भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। अगर उल्लंघन करता है तो वो उस सीमा तक समाप्त हो जाएगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, बस इतनी सी बात है। और अगर पहले से कोई विधि लागू है तो वो उस सीमा तक उसको आच्छादित कर लेगा, यानी कि उस पर ग्रहण जैसी स्थिति बनेगी जहां तक वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। बात यहां तक क्लियर हो गई। तो आर्टिकल 12 और 13 की बात हम लोगों ने कर लिया, अब बात करेंगे हम लोग अपना जो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट है इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट बताए थे, उनमें से आपका पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। तो सबसे पहला आपका हेडिंग हो जाएगा समानता का अधिकार, और जो समानता का अधिकार है इसके लिए हमने आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे। यहां पर क्या है, समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार के लिए हमने आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे, और वो आर्टिकल्स आपका था अनुच्छेद 14 से लेकर के कितने के बीच में, 18 तक इसका प्रावधान किया गया है। एक बहुत सामान्य सवाल और पहला सवाल यहां से आपको मिलता है कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच में दिया गया है। तो अक्सर आप देखे होंगे अगर क्वेश्चंस को, तो यहां पर आपको ऑप्शन ए में सबसे पहले दे दिया जाता है 12 से लेकर के 18 तक, दूसरा आपको दिया जाता है 12 से लेकर के 16 तक, तीसरा आपको मान लीजिए कि दे दिया गया 12 से लेकर के 14 तक, और डी आपको दे दिया गया कहां से, 14 से लेकर के 18 तक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार का जो प्रोविजन किया गया है वो है 14-18 आपको ये दिया गया। दूसरा एक प्रश्न यहीं से आता है कि कुल कितने अनुच्छेदों के बीच में समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान से जरा समझिए, 14 है, 15 है, 16 है,
17 है और इसके बाद क्या है 18 है, ये कुल कितने आर्टिकल्स हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। समानता के अधिकार का प्रावधान कुल कितने अनुच्छेदों में दिया गया है, ये हो जाते हैं टोटल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जहां पर आपको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे भी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने एक एक आर्टिकल की जिसका प्रावधान आपको दिया गया है कहां पर, समानता के अधिकार में। तो समानता के अधिकार में हम लोगों को जो पहला आर्टिकल लेना है वो होता है आपका आर्टिकल 14। यहां पर अनुच्छेद 14 की बात करेंगे और यहां पर आपको लिखा गया है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। यहां पर क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण जो है इसका प्रावधान आपको कहां पर मिल जाता है, तो ये आपको मिल जाता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मिलता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो दो अलग अलग शब्दावलियां यहां पर, अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको यहां पर दी गई हैं, और यहां पर प्रावधान ये किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब इसका समझ लिए हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से प्रभावित नहीं किया जाएगा या उनको वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो दो अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं और इन टर्म्स में आप देखेंगे तो पहला कौन सा है, विधि के समक्ष समानता, दूसरा टर्म्स यहां पर है विधि का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता और विधि का जो समान संरक्षण आपको यहां पर दिया गया है, यहां से इस शब्द से आपको प्रश्न मिलते हैं। पहला सवाल आता है कि विधि के समक्ष समानता शब्द को हमने कहां से लिया है। अगर यह प्रश्न आता है कि कहां से हमने इसको लिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। कहां से हमने इसको लिया है, इसको लिया है ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण, इसको अगर पूछा जाए कि कहां से लिया गया है, तो आंसर आप लगाएंगे कहां से, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया इसको, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अब इसमें अगर आप देखें तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या होगा, तो यहां पर होगा कानून के समक्ष सभी समान। अर्थ इसका क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो कानून के समक्ष सभी समान, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, सभी समान होंगे। और अगर हम लोग विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, समानों में समानता, समानों में समानता। अब और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जैसे कानून के समक्ष सभी समान होंगे, तो इसका मतलब हो गया कि चाहे वो कोई उच्च पदाधिकारी हो, चाहे वो सामान्य क्लर्क हो, वो सभी के होंगे कानून के समक्ष समान होंगे, यानी कि कानून का शासन। यहां पर इस शब्दावली से आपको क्या मिल जाता है कि यहां पर देश में कानून का शासन होगा। मतलब इसका क्या हो गया कि देश में कानून का शासन होगा, देश में कानून का शासन होगा। और यहां पर चाहे उच्च पदाधिकारी हो, चाहे सामान्य क्लर्क हो, वो सभी के सभी विधि के समक्ष क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। यहां पर एक पॉइंट और लिखेंगे, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया कि ये उचित नहीं है। वैसे भी अगर देखें तो कोई एक उच्च पदाधिकारी है और कोई एक सामान्य क्लर्क है और दोनों को हम इक्वल अगर ट्रीट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत होता है। इसलिए हम इस पदावली, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ये नकारात्मक सेंस में लिया गया है। कैसे होगा ये, तो ये हो जाता है आपका नकारात्मक। बात क्लियर है। यहां से विधि के समक्ष समानता शब्द जो है वो कैसा है, ये हो जाता है नकारात्मक रूप में। बात करते हैं अब दूसरा कि विधि के समक्ष जो समान संरक्षण की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि तर्क संगत आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तर्क संगत आधार पर, तर्क संगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। समानों में समानता का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हमको आवश्यकता पड़ती है तो भेदभाव जो है वो किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। कैसा होगा ये, तो ये हो जाता है सकारात्मक दृष्टिकोण। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, ये कैसा हो गया, सकारात्मक हो गया, लेकिन एक चीज आपको यहां पर अब और क्या ध्यान में रखनी है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हम लोग सकारात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये जो भेदभाव की बात कर रहे हैं, इसके लिए दो शर्तें होनी चाहिए कि ये समझ में आना चाहिए और दूसरा पॉइंट ये है और उसको कोई भी सहज रूप में बहुत आसानी से उस बात को स्वीकार कर सके। दूसरा शर्त जो होती है कि ऐसे भेदभाव का जो आधार होगा वो जन कल्याण होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, न कि जो शासक वर्ग है उसका स्वयं का उसमें हित होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पब्लिक वेलफेयर के आधार पर हम यहां पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तर्कसंगत आधार पर इसमें क्या करेंगे, भेदभाव किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान किस बात का रखना होगा, यहां पर ध्यान रखना होगा पब्लिक वेलफेयर को। किसको ध्यान में रखेंगे, पब्लिक वेलफेयर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। इसमें समानों में समानता का मतलब यहां पर ये आपको देखने को मिल जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि जो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है, ये किस प्रकार का की पदावली है, किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी है, क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं या दोनों एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं ये कैसे होते हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिनोनिम्स के रूप में, यानी कि एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, न कि ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अब यहां पर तर्कसंगत भेदभाव का आधार क्या होगा, यह थोड़ा सा यहां पर डिफिकल्ट होता है कि तर्कसंगत आधार पर तर्क या भेदभाव का आधार क्या होगा या तर्कसंगत हम किसको कहेंगे, तो यह संविधान में प्रावधान इसका नहीं किया गया है। तो तर्कसंगत आधार होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, तर्कसंगत आधार क्या होगा इस बात का जिक्र जो है वो आपको संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में इसका प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। बात क्लियर है। तो यह समय समय पर क्या होता है, न्यायालय के द्वारा इसको बतलाया जाता है कि किस आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या किस आधार पर नहीं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे टैक्सेशन के आधार पर, या फिर हम लोग देख लें तो जियोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका के द्वारा दिया गया कोई निर्णय विशेष है या फिर प्रशासनिक अधिकारियों का विवेकाधिकार होता है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तर्कसंगत आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। इसके बाद में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 जो होता है वो विधि के शासन की स्थापना करता है। तो विधि के शासन की जो स्थापना करता है इसका मतलब होता है सामान्य विधियां। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अनुच्छेद 14 जो होता है आर्टिकल 14, इसको हम लोग क्या मानते हैं,
इसको हम लोग संविधान के मूल ढांचे के रूप में स्वीकार करते हैं। इसको हम लोग किस रूप में मानते हैं, तो ये हो जाता है बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है, के रूप में स्वीकार किया जाता है। वजह आप जानते हैं, वजह इसके पीछे क्या होती है कि हमारे यहाँ विधि के शासन की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मूल ढांचे के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। बात क्लियर है। एक पॉइंट यहाँ पर और आप ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों ने ब्रिटेन से इस बात को ग्रहण किया है, तो ब्रिटेन में इसके जनक किसको माना जाता है, ब्रिटेन में इसका जो जनक है वो हो जाते हैं प्रोफेसर डाइसी। नाम सुने होगा आपने, प्रोफेसर डाइसी का नाम आपने सुना होगा। तो ब्रिटेन में इस शब्दावली के जनक किसको कहा जाता है, तो प्रोफेसर डाइसी को। द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकी एक पुस्तक का भी नाम है। क्या नाम है? द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी एक पुस्तक का नाम होता है। प्रोफेसर डाइसी का की पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आप लगा सकते हैं द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोफेसर डाइसी की पुस्तक का नाम है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी ये सारी आपके सामने लिखी गई हैं। इसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समानता के अधिकार की बात हम लोगों ने करना शुरू किया था, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 14 की बात किया। दो शब्दावली इसमें थी, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं ये सारी की सारी आपको यहाँ पर लिखा गया है। अच्छे तरीके से आप इन सभी बातों को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके आगे हम लोग आर्टिकल 15 की। तो यहां तक का मैटर क्लियर हो गया, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। 15 में आपको क्या दिया गया है, समान रूप में आप पढ़ते आए हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में बहुत सिंपल सी बात आपको दी गई है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव होगा वो नहीं किया जाएगा, और इस अनुच्छेद में सामाजिक समानता का विस्तृत अध्ययन आपको देखने को मिलता है। इसका पूरा प्रावधान किया गया है सामाजिक समानता का। तो कभी कभी बाय द नेचर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस आर्टिकल का नेचर कैसा है, फला आर्टिकल का नेचर कैसा है, तो वहां पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 15 जो है वो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये पांच इसके आधार होते हैं जिसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि यह राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध मिलता है, यानी कि राज्य किसी के साथ इन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा, कोई अगर व्यक्ति है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई सेम कैटेगरी का है और सेम कैटेगरी वाला ही उस पर इस आधार पर भेदभाव का आरोप लगाता है तो ये गलत होगा, क्योंकि सेम कैटेगरी वाला अपने ही सेम कैटेगरी का इस तरीके से भेदभाव नहीं माना जाता है इसको। और MPPCS में इस तरीके के सवाल जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में आप देखिए अनुच्छेद 15 में, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 15 की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो सिंपल बातें हैं उसी को आप यहां पर लिख लेंगे। और यहां पर बात आपको क्या लिखना होगा कि किसी के साथ भी धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि ये सभी की सभी बातें कैसी हैं, ये सभी बातें जो हैं ये कैसी हैं, प्राकृतिक हैं। मतलब इसका क्या हो गया, ये सभी के सभी आधार कैसे हैं,
प्राकृतिक है, नेचुरल है, इस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। हमें ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि हमको किस धर्म में जन्म लेना है। हमें बिल्कुल भी ये कंट्रोल नहीं है कि हमें किस जाति में जन्म लेना है, कहां पर जन्म लेना है, किस वंश में जन्म लेना है। ये सभी हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये प्राकृतिक हो जाता है और प्राकृतिक चीजों पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इससे क्या होता है, सामाजिक समानता देखने को मिलती है। सामाजिक समानता आपको यहां पर देखने को मिलती है। कैसी सामाजिक समानता, सोशल इक्वेलिटी की हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है यहां पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो है यह केवल और केवल केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है, देश के नागरिकों को प्राप्त है। तो ये तीन पॉइंट जो हैं ये बहुत बेसिक हैं और ये आपको आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक एक क्लॉज की। तो जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, तो आर्टिकल 15 का दोस्त जो क्लॉज 1 है यहां पर किस बात का प्रावधान किया गया है कि जो राज्य होगा, अब यहां पर हम लोग राज्य की डेफिनेशन देख चुके हैं, राज्य जो होगा वो किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध किस आधार पर, धर्म मूल वंश जाति, धर्म यहां से डॉट डॉट लिख लीजिए, धर्म मूल वंश जात लिंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इत्यादि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। क्या बतलाया गया है आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में आपको क्या दिया गया कि राज्य जो होगा वो किसी नागरिक के साथ, नागरिक शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह केवल और केवल किसको प्राप्त है, देश के नागरिकों को, तो नागरिकों को के विरुद्ध धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर। अब आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 2 है, आर्टिकल 15 में ही आप देखेंगे तो दूसरा क्लॉज आपको देखने को मिलता है। अब दूसरे क्लॉज में क्या किया गया यहां पर कि कोई नागरिक, कोई नागरिक, अब दोनों में जरा अंतर भी समझिएगा, कोई नागरिक इन्हीं सब आधारों पर, और ये आधार क्या है, धर्म मूल वंश जात लिंग जन्म स्थान इत्यादि, इन्हीं आधारों पर अलग अलग स्थानों पर, कोई नागरिक इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं आधारों पर, इन्हीं आधारों पर, अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सभी आधारों का मतलब है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, इन सभी आधारों पर नागरिकों के साथ दुकानों में, होटलों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, सार्वजनिक मनोरंजन का कोई स्थान है, सिनेमा हॉल है जैसे PVR वगैरह में, इसके अलावा आप देखेंगे तो राज्य के विधि के अंतर्गत या राज्य निधि के अंतर्गत स्टेट फाइनेंस से अगर कोई भी संस्था का निर्माण किया गया है, चाहे वो पूर्णतः हो, चाहे वो अंशतः, पार्शियली या कंप्लीटली, अगर राज्य उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करी है, तो ऐसे अगर कोई बनने वाला कुआं है, ऐसा बनने वाला कोई तालाब है, ऐसा बनने वाला कोई स्नान घाट है, नलकूप है, या फिर सड़क है, सार्वजनिक समागम का कोई भी स्थान है जैसे पार्क वगैरह है, तो इन सभी पर किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्य नागरिक भेदभाव नहीं कर सकता है। किस आधार पर, इन्हीं आधारों पर, तो कोई नागरिक इन्हीं आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा।
ये आपको कहां पर मिलता है? आर्टिकल 15 का जो क्लॉज सेकंड है वहां पर इस बात का प्रावधान किया गया। तो हम लोगों ने आर्टिकल 15 में सबसे पहले एक सिंपल सी बात पढ़ी कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लॉज 1 में हम लोगों ने बात किया कि राज जो है किसी नागरिक के साथ इन्हीं आधारों पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लॉज सेकंड में हम लोगों ने बात किया कि कोई नागरिक अन्य नागरिकों के साथ इन्हीं सभी आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। यहां पर आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 आपको देखने को मिलता है, यहां पर एक एक्सेप्शन टाइप की चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या एक्सेप्शन यहां पर है कि राज्य अगर चाहे तो राज्य के द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 के 3 क्लॉज में लिखा गया है कि राज्य अगर चाहे तो राज्य जो है वो स्त्रियों और बच्चों के लिए, ये हमारे समाज के कमजोर वर्ग होते हैं, स्त्रियों और बच्चों इन दोनों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकता है। ये किसको कहा गया है? ये राज्य को कहा गया है। और किसके लिए कर सकता है? तो राज्य के द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है। और यह प्रावधान जो है वो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाता। जैसे कि आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हमने अभी कहा था कि लिंग के आधार पर किसी के साथ प्रतिषेध नहीं होगा, तो इनको हम लोग क्या मानते हैं? समाज के कमजोर वर्ग मानते हैं। ये क्या होते हैं? समाज के कमजोर वर्ग इनको माना जाता है। और राज्य अगर चाहे तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो इस बात का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 15 में, आपको 15 के तीसरे क्लॉज में आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर देखेंगे तो एक आर्टिकल और होता है, आर्टिकल 15 में ही फोर्थ होता है। आर्टिकल 15 का जो फोर्थ क्लॉज है, इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के जरिए 1951 में। पहला पॉइंट क्या होगा? प्रथम संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन के जरिए 1951 में इसको जोड़ा गया था। और यहां पर प्रावधान किस बात को दिया गया कि राज्य जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि राज्य जो है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, राज्य जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। किसको देगा? पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दे सकता है, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था अगर चाहे तो राज्य के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? आधार क्या होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए और शैक्षणिक होना चाहिए, यानी कि सोशल होना चाहिए और एजुकेशनल होना चाहिए। केवल और केवल इन्हीं दोनों आधारों पर क्या होना चाहिए कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर राज्य चाहे तो विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है। एक पॉइंट यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य। क्या केस है? तो केस यहां पर एक हो जाता है, चंपकम दुरई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट है। तो ये एक केस आया था, चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य। तो यहां पर आपको ये वाली बात देखने को मिलता है कि राज्य अगर चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 के हम लोगों ने 4 क्लॉज को पढ़ा है। पांचवा क्लॉज आपके सामने है कि पांचवें क्लॉज में आपको आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 5th है, पहला प्रश्न, पहला पॉइंट आपको यहां पर यह बनता है कि इसको आखिर कब जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा,
इसको हम लोगों ने 93rd अमेंडमेंट के जरिए 2005 यानी कि 2005 में हमने इसको ऐड किया हुआ है। कब जोड़ा गया? तो 2005 में हमने इसको जोड़ा था 93 में संविधान संशोधन के जरिए। और यहां पर आपको बताया गया है कि राज्य विधान मंडल जो है वो कानून बनाकर उच्च शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं इसके लिए उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को छोड़ करके यहां पर क्या लिखेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को छोड़कर, अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को छोड़कर जितने भी और उच्च शैक्षणिक संस्थाएं होंगी, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इसमें अगर किसी का प्रवेश करना है, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, तो यहां पर प्रवेश के लिए आरक्षण दे सकती है। ये बात आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 15 के 5वें क्लॉज में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो हम लोगों ने आज की अपनी क्लास में बात किया है अनुच्छेद 15 की, मतलब कि 12 से लेकर के 15 की बात हम लोगों ने अपने आज की क्लास में 4 आर्टिकल्स की बात किया है। बहुत डिटेल्स में आपको सारी बातों को मैंने बतलाया है। अब आप इसमें सीजीएल तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहां से मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से केवल सवालों को टैकल करने की कोशिश करिए और अगली क्लास में हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी उसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 से। तो अनुच्छेद 16 की बात जो है वो हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोगों की क्लास बस यहीं तक है। अगली क्लास में आप लोगों से हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बेहतर ख्याल रखिए, चीजों को अच्छे तरीके से तैयार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।